पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना के जाने के बाद देवभूमि के मंदिरों की सफाई करने की बात कही थी, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विक्रमादित्य ने ऐसा कहकर भाजपा प्रत्याशी कंगना के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया के चुनाव के दौर है और किसी महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, साथ ही साथ धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंचती है। इस तरह की बातें कर विक्रमादित्य सिंह धार्मिक भावनाओं को भड़काने की भी काम कर रखे गए। जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग से कंगना के ऊपर की गई इस व्यक्तिगत टिप्पणी पर विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है, और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। ये चीजें हम नहीं कह रहे, आज ये देव नीति के लोग इस बात को कह रहे हैं कि देव संस्कृति के ऊपर जो ये प्रहार किया जा रहा है, आज जो हमारे देव नीति के विपरीत जो चीजें आज निकल कर आ रही है, जो आज व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, हर चीजों में लोग जिस चीज को देख रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विक्रमादित्य ने बयान दिया है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की ये कैंडिडेट ये मुतरमा मंदिरों में जा रही है, उन मंदिरों की फिर बाद में सफाई करनी पड़ेगी। ये बहुत डेरोगेटरी शब्द इस्तेमाल किया है उनने, और चुनाव के दिनों में एक महिला के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये चुनाव के दिनों में आचार संहिता का भी उल्लंघन एक तरह का है, और ऊपर से धार्मिक संस्थान से संबंधित इस तरह की टिप्पणी करने से और भी ज्यादा ये गंभीर विषय है। और पर्टिकुलरली जो कैंडिडेट हैं, कभी कहते हैं कि वो हिमाचल में आई हैं, देवभूमि में आई हैं, पहले पवित्र होकर के जाए, ये शब्द बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अगर व्यक्तिगत टिप्पणी इस प्रकार से की जाए।